हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। प्रोजेक्ट एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पीएनसी एपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है, उस पर काफी एग्जाम्पल भी हो चुके हैं। तो अब आप आगे बढ़ते हैं नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के नोटेशन पे। फैक्टोरियल होता क्या है? फ्रेंड्स, आपने इस टाइप में लिखा हुआ देखा होगा एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन। इसको अपन पढ़ते हैं एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है ये समझे। सिंपल देखना फ्रेंड्स, बहुत आसान है। 1, 2, 3, 4 मैंने इस टाइप में मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या 1, 2, 3, 4 ये क्या है? फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स। ये क्या है? फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स। तो इनके मल्टीप्लीकेशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में 4 फैक्टोरियल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 फैक्टोरियल से। सपोज मैं लिखूं 1 into 2, तो फ्रेंड्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 फैक्टोरियल से। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स। सपोज ये होता 1, 2, 3, तो क्या होता फ्रेंड्स? 3 फैक्टोरियल। फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स। सपोज मैं केवल 1 लिखता तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 फैक्टोरियल। यानी 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। फ्रेंड्स, 4 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यो भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, सेम मीनिंग होता है, लिखने का बस दूसरा तरीका है। सपोज फ्रेंड्स ऐसा हो 1, 2, 3, 4, यो चलता 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 लास्ट में एन आए। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? एन फैक्टोरियल कहलाएगा या फैक्टोरियल एन, इस टाइप में लिख सकते हैं। दोनों बातें एक ही है। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ नोटेशन आता है, कुछ बुक्स में ये नोटेशन आता है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहां तक का कंसेप्ट आपके क्लियर होगा, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ आपको समझ में आ गया होगा। तो एन फैक्टोरियल क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब एन इज इक्वल टू 2 है तो 2 फैक्टोरियल, इस टाइप में 4 है तो 4 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल। ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान ये रखना है कि 5 फैक्टोरियल को अपन दो तरीकों से लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, या आप ऐसे लिख सकते हो 5, 4, 3, 2, 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब 2 into 4 करें चाहे 4 into 2 करें, बात एक ही है। तो ये क्या हुआ, इसको ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 120। हमेशा याद रखें, रट ले, रिमेंबर ऑलवेज, ये रिमेंबर होनी चाहिए। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? 120 होती है। इसको रट ले, याद कर ले, रिमेंबर कर ले, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें आप फ्रेंड्स। अब कुछ रिजल्ट्स देखते हैं, कुछ चीजें समझते हैं। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं? 5, 4, 3, 2, 1, इस टाइप में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स n फैक्टोरियल इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं n-1, n-2, n-3, 2, 1, 3, 2, 1, ऐसे लास्ट में, है ना। मतलब ये क्या हुआ? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन हुआ, जैसा अभी मैंने बताया था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1, 2, 3 डेस चल चलता n तक। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपन। अगर क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, ये क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके n माइनस 1 तक का मल्टीप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स डेफिनेशन से इसको क्या लिखेंगे? n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये चीज अपन लिख सकते हैं। तो यहां से आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। फिर बता देता हूं, सपोज इसको ऐसे नहीं लिख के आप लिखना चाहते, n n-1 तक ले लेते, ये 2 ले लेते, तो अब यहां से लेके यहां तक कितना हुआ? ये 1 से लेके n-2, यानी ये क्या हो गया? n-2 फैक्टोरियल। यानी 1 से लेके n-2 नंबर तक मल्टीप्लीकेशन करा है अपन ने, किसका? नेचुरल नंबर का। तो इसको फैक्टोरियल लगा के लिखा। सेम वे में इसको ऐसे समझे, यानी 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 10.9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10.9 फैक्टोरियल। सपोज और आगे लिखना चाहो तो 10.9 लिखे तो डॉट में लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 10 फैक्टोरियल क्या होता था फ्रेंड्स? 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लीकेशन, 10, 9, 8, 7, तो 9 फैक्टोरियल का भी क्या होगा? 9, 8, 7, 1 तक। तो वापस चीज तो वो की वही है,
8 फैक्टोरियल लिखा मतलब 8, 7, 6 कहां तक जाएगा, 1 तक, चीज वो की हुई है। तो इस टाइप में आप इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं 0 फैक्टोरियल पे। किस पे बढ़ते हैं? 0 फैक्टोरियल क्या होता है? तो देखो 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ऑलवेज रिमेंबर करना कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है भाई, 1 क्यों होता है? अगर आपको प्रूफ चाहिए तो देखें, आप प्रूफ भी देख लें 0 फैक्टोरियल का। आपने लिखा जैसे n फैक्टोरियल, तो उसको आप कैसे लिखोगे? n फैक्टोरियल को आप लिखोगे n n-1 फैक्टोरियल, इस टाइप में लिखोगे, है ना। तो मैं यहां क्या करता हूं, n इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं। n इज इक्वल टू क्या पुट कर दूं, 1। तो ये क्या हो गया, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1.1-1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 1 होता है, ये भी 1 है, और 1-1 फैक्टोरियल क्या हुआ, 0 फैक्टोरियल। तो फ्रेंड्स 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल आया, 1 के। तो ये प्रूव हो गया कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1। एंड ये सारी चीजें नोट डाउन करें। छोटी सी चीज और भी देख ले फ्रेंड्स, अगर आपको मैं कहूं -5 फैक्टोरियल, तो इसका क्या सेंस होगा? इसका कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि अपन ने फैक्टोरियल डिफाइन किया था नेचुरल नंबर्स पे। फैक्टोरियल क्या होता था, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ऐसे करते थे अपन। जैसे 5 फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, 7 फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। इसका कोई सेंस नहीं होता, तो ये नॉट डिफाइंड चीज है, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो नेगेटिव में कभी भी फैक्टोरियल नहीं मिलेगा, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड। तो फ्रेंड याद रखना, नेगेटिव में कभी भी फैक्टोरियल नहीं मिलेगा, ये चीज आप रिमेंबर रखना, क्योंकि फैक्टोरियल की डेफिनेशन देख लीजिए आप। फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन है अपने सामने। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो अपन को फाइंड करना है n, दोनों में, दोनों दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों में आपको n फाइंड आउट करना है। तो n+1 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखेंगे, यहां लिखते हैं क्वेश्चन को 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। n+1 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, n+1, फिर एक कम माइनस करके, 1 इसमें से माइनस करके लिखेंगे आप क्या, n, फिर 1 माइनस करेंगे n, लिखेंगे n-1। तो n-1 इधर है, तो मैं n-1 पे फैक्टोरियल लगा के यही रोक देता हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे n-1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इज इक्वल टू 12 n-1 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बना, n² + n-12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो n+4 n-3 इज इक्वल टू 0, यानी n इज इक्वल टू -4 and 3। फ्रेंड्स क्या -4 हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो 3 हो सकता है, बिल्कुल 3 हो सकता है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 3, -4 क्या होगा, रिजेक्टेड। -4 तो हो गया रिजेक्टेड एंड 3 हो गया सेलेक्ट, तो आंसर क्या हुआ, n इज इक्वल टू 3 इसका आंसर हुआ। सेकंड वाला देखिए फ्रेंड्स, सेकंड वाले में क्या बोला गया, n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2550 n फैक्टोरियल। तो इसका क्या करोगे आप, n+2 फैक्टोरियल को आप लिखोगे n+2, फिर 1 सब्स्ट्रैक्ट करके लिखा तो n+1, फिर 1 सब्स्ट्रैक्ट करा तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+2 n+1 n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2550 n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, तो क्या बचा फ्रेंड्स, इधर बचा n² + 2n + n, 3n + 2 इज इक्वल टू 2550, ये बचा। अब मैं इसको इधर लाऊं तो मेरे पास क्या बचा, n² + 3n - 2548 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स इनके फैक्टराइजेशन आप करना, तो फैक्टराइजेशन आपको मिलेंगे n+52 and n-49 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टराइजेशन मिलेंगे आपको, आप इसको फैक्टराइज खुद करना, ठीक है। तो यहां पे देखो 52n - 49n, ये 3n, एंड इन दो इन टू डिफरेंस को 52n - 49 को मल्टीप्लाई किया तो 2548। तो यहां पे क्या आया फ्रेंड्स, -42 and 49, ये तो रिजेक्ट होगा एंड ये सेलेक्ट होगा, तो आंसर क्या हुआ, 49। तो n की वैल्यू क्या आई, 49। तो इसको नोट डाउन करें आप फ्रेंड्स, अपने को क्या प्रूव करना है, 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2^n.n(n)। एंड दिस ये अपने को प्रूव करना है, बहुत ही आसान है, देखिए कैसे होगा। अपने 2n फैक्टोरियल लिखा है ना, ये लिखा, इसके बाद क्या करेंगे, इसको कैसे लिखोगे आप, ये 2n फैक्टोरियल किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है फर्स्ट 2n नेचुरल मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट टू एन नेचुरल नंबर्स, यानी मैं अगर इसको लिखूं तो 2n, फिर 1 सब्सट्रैक्ट किया तो 2n माइनस 1, फिर 1 सब्सट्रैक्ट किया तो 2n माइनस 2, डेस 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 डेस, ये हो गया 4 3 2 1, इस टाइप में हो गया फ्रेंड्स। तो 4 3 2 1 इस टाइप में हो गया, ये अपन ने लिख दिया यहां पर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो अपन क्या करते हैं, इवन नंबर्स को, सारे इवन नंबर्स को एक साइड लिख लेते हैं, ऑड नंबर्स को एक साइड, क्योंकि यहां पे देखो ऑड नंबर है ये सारे। तो इवन में मेरे को 2n मिला, फिर क्या मिला, 2n माइनस 2 मिला, एंड ये जाते जाएंगे आगे 4 एंड 2, ये सारे इवन नंबर्स हो गए। इनको मैंने सेपरेट किया, इवन नंबर्स को बाहर निकाला। ऑड नंबर्स को देखो 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, देखो 1 आया यहां पे तो 2 आया, उसके बाद फिर ऑड आएगा माइनस 3, तो 2n माइनस 3, इसके बाद आएगा जो ऑड रहेगा 2n माइनस 3, एंड वहां से उठाएं तो देखो 3 1 तो 5 3 1, 5 कैसे लिखा, जैसे 1 3 5 भी तो ऑड है तो 5, तो ऐसे आएगा 1 3 5, ये चलता जाएगा, ये 2 4 6 ये चलता जाएगा 2n तक। तो फ्रेंड्स मैंने ऑड एंड इवन को अलग अलग सेपरेट सेपरेट किया, एंड इनमें से देखें अब टोटल नंबर्स कितने थे, टोटल नंबर थे 2n, यानी 2n फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन किया। तो फ्रेंड्स अपने पास अगर 4 नंबर है, सोचे 1 2 3 4, ध्यान देना 1 2 3 4, इवन कितने हैं 2, ओड कितने हैं 2, कहने का मतलब जितने नंबर्स होते हैं है ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स लें तो उसमें से हाफ तो ओड होंगे, हाफ क्या होंगे इवन, यानी ये कितने नंबर्स हैं n, टोटल n, एंड ये कितने नंबर्स हैं n, ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी कंसेप्ट कि n n, जितने ओड नंबर उतने इवन नंबर। अब फ्रेंड्स ओड में से क्या करें, इवन में से क्या करें, 2 कॉमन आ रहा है, देखो यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, तो 2 कॉमन आएगा सब में से, कितने टाइम्स आएगा n टाइम्स आएगा, तो 2 रेस टू द पावर n, यहां पे क्या हो जाएगा n, यहां पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, यहां पे क्या हो जाएगा 2, एंड 2 की जगह क्या हो जाएगा 1, सब में से 2 कॉमन लिया फ्रेंड्स, तो 2 रेस टू द पावर n बाहर आ गया, सब में से हर टर्म्स में से 2 आया, टोटल n टर्म्स थी तो 2 रेस टू द पावर n ये बचा, और यहां क्या बचा, यहां अपन लिखना चाहे तो 1 वो पहले लिख ले, 3 5 डैश 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 लास्ट डिजिट 2n माइनस 1। फ्रेंड्स ये क्या है, 1 2 3 4 n तक, यानी n फैक्टोरियल, क्या हो गया n फैक्टोरियल, तो 2 रेस टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल डॉट में 1 3 5 डैश 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 2n माइनस 1। तो फ्रेंड्स ये अपना आंसर आया क्या, 2 रेस टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल डॉट 1 3 5 2n माइनस 1 ये क्लोज। तो ये अपना आंसर है फ्रेंड्स, प्रूव दैट अपन ने करना था अपन कर चुके, नोट डाउन करें फ्रेंड्स। अब अपन एक्सपोनेंट की, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 2, यानी 2 पे कितनी पावर आएगी, किसमें, 100 फैक्टोरियल में, कैसे, जैसे 100 फैक्टोरियल आप उसको कैसे लिखोगे, 100 इंटू 99 इंटू 98 डेस 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 2 एंड 1, जैसे यहां पे 2 कितने टाइम्स आएगा, यहां पे 2 कितने टाइम्स आएगा, यहां पे 2 कितने टाइम्स आएगा, सारे 2 पे जो पावर है उसका सम करें तो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 2 आ जाएगी, क्या आएगी, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 2, तो वो कितनी होगी है ना। तो इसका एक बहुत ही अच्छा मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है, जो हम लोग 9-10 की फाउंडेशन क्लासेज होती है जो IIT की, उसमें अपन बच्चों को बताते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं डायरेक्ट आपको मेथड बता रहा हूं, आपको क्या करना होता है, आपको प्राइम, किसी भी प्राइम नंबर्स का निकालना है तो आपको सबसे पहले जो, जैसे 100 फैक्टोरियल में निकालना है तो 100 फैक्टोरियल ले, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का बनाएं बॉक्स, और इसको 100 फैक्टोरियल में केवल 100 रखें, उसको 2 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें 2 से, प्लस लिखें, फिर 100 लिखें, अब 2 स्क्वायर से डिवाइड कर दें, फिर 100 लिखें और अब 2 क्यूब से डिवाइड कर दें, फिर 100 लिखें एंड 2 4 से डिवाइड कर दें, फिर 100 लिखें एंड 2 रेज टू द पावर 5 से डिवाइड कर दें, एंड फिर 100 लिखें एंड 2 रेज टू द पावर 6 से डिवाइड कर दें, एंड फिर 100 लिखें एंड 2 रेज टू द पावर 7 से डिवाइड कर दें, आगे की सारी टर्म्स जीरो होगी, क्यों होगी फ्रेंड्स, क्योंकि देखो 2 रेज टू द पावर 6 क्या होता है 64 है ना, और 2 रेज टू द पावर 7 क्या होता है 128, यानी जब इसको डिवाइड करोगे तो जो नंबर्स आएगा वो लेस देन 1 आएगा, और लेस देन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है फ्रेंड्स, जीरो। वापस सुने, 2 रेज टू द पावर 7 128 आएगा, 128 को 100 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी इसकी वो लेस देन 1 आएगी, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1 क्या होता है जीरो, तो आगे की सारी टर्म्स क्या हो गई जीरो, एंड इवन ये टर्म्स भी क्या हो गई जीरो, क्योंकि ये भी लेस देन 1 होगी, ये एंड आगे की सारी टर्म्स जीरो होगी, तो अपने को यहां तक
यहां तक जितनी टर्म्स है उनसे काम चल जाएगा। यहां पे कितना आया 50, 4 से डिवाइड किया तो यहां पे क्या आया 25, ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया 8, 8 से इसको डिवाइड किया तो देखो 1 एंड 2 टाइम्स 12 आया, 12 पॉइंट समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 12 है। ये क्या हो गया 16, 16 को डिवाइड किया तो क्या आया 6 टाइम्स किया, 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 6। फिर ये हो गया अपना 32, 32 को डिवाइड किया तो कितना आया 3 टाइम्स, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। एंड ये हो गया आपने 64, डिवाइड किया तो क्या आया 1 पॉइंट समथिंग यानी 1। एंड ये डिवाइड किया तो क्या आया लेस देन 1 यानी 0, और आगे की सारी टर्म्स भी क्या हो गई 0। इन सबको एड ऑन कर ले तो ये हो गया 4, ये 10, ये हो गया 22, 22 यानी ये हो गया 47, तो ये हो गया 97। तो आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स 97। तो 2 पे पावर कितनी आएगी 97 आएगी। फ्रेंड्स अब सपोज प्राइम 5 ले लें अपन, प्राइम नंबर क्या है 5 और अपना नंबर्स क्या है 1000 फैक्टोरियल, इसमें 5 कितने टाइम्स रिपीट होगा, है ना, 1000 फैक्टोरियल में 5 कितने टाइम्स आएगा, मतलब उसकी पावर क्या आएगी, सिंपल सी बात है। तो कैसे निकालोगे आप 1000 लोगे, डिवाइड बाय 5 करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, फिर 1000 लोगे डिवाइड अपॉन 5 स्क्वायर करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, फिर 1000 करेंगे डिवाइड बाय 5 क्यूब करेंगे, फिर 1000 लेंगे डिवाइड बाय 5 4 फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, और आगे की सारी टर्म्स फ्रेंड देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 625। तो अब जो भी 5 रेस टू द पावर 5 होगी वो 625 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे यानी 1000 से बहुत बड़ा नंबर आएगा, डिवाइड करने पे क्या होगा लेस देन 1 यानी आगे के सारे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। तो लेने से कोई मतलब ही नहीं है, 5 को इससे डिवाइड किया अपन को 1000 को तो क्या आया 200 आया फ्रेंड्स, 25 को इससे डिवाइड किया तो 40 आया, है ना, एंड 125 को इससे डिवाइड किया तो अपने पास कितना आया 8 आया, एंड ये 625 से डिवाइड किया तो क्या आया 1 आया। तो इनको टोटल का सम किया जाए तो ये हो गया 48, 9, 249। इसका मतलब जब 1000 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1099 ऐसे लिखेंगे, सॉरी 1000 फिर 999 फिर 998 डोस डेस 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 3 2 1, तो इसमें नंबर्स के साथ 5 कितने टाइम्स आएगा, 5 पे पावर आएगी 249। अगर 5 को सब में से कॉमन लेके बाहर निकाल लें तो टोटल 5 के आएंगे, 5 पे पावर आएगी 249 यानी 5 249 टाइम्स आएगा किसमें, इस मल्टीप्लीकेशन में। तो ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। अगला देखते हैं 3 वाला। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखें 3 वाला, 3 वाले में क्या होगा 100/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/3 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/3 क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/3 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर, आगे की सारी टर्म्स क्या होगी 0, क्योंकि ये 89 हो गया, 89 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, आगे वाली टर्म्स सारी क्या आएगी 3 रेस टू द पावर 5 यानी 243, लेस देन 1 आएगी तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया 0। तो बस यहीं तक आएगा, 3 से इसको डिवाइड किया तो देखो 3 टाइम्स गया, 10 रहा फिर 3 टाइम्स 33 पॉइंट समथिंग यानी 33, 9 को डिवाइड किया इससे तो 11 टाइम्स गया 11 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 11। ये 27 हो गया, 27 को अपन ने डिवाइड किया तो 3 पॉइंट समथिंग, है ना, तो ये हो गया आपके 3 पॉइंट समथिंग यानी 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहां 81 हुआ तो 1 आ गया, 81 को डिवाइड किया तो 1 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया 44 एंड ये हो गया 47, ये 48। तो 3 पे पावर क्या आएगी एक्सपोनेंट में 100 फैक्टोरियल में, जैसे 100 फैक्टोरियल आप ऐसे करोगे टोटल 1 तक, तो उसमें नंबर्स में से सभी नंबर्स में से 3 कॉमन ले ले तो 3 पे पावर क्या आएगी 48 आएगी फ्रेंड्स, क्या आएगी 48, नोट डाउन करें। अब फ्रेंड्स कई बार आपसे यूं पूछ लेंगे, ये तो प्राइम नंबर्स थे, आप कहोगे सर ये अदर नंबर्स के लिए क्या होगा, तो फ्रेंड्स ठीक है अदर नेचुरल नंबर्स का क्या होगा, सपोज पूछ लिया आपको 6 का अपन को एक्सपोनेंट बताना है किस में 100 फैक्टोरियल में, समझना बात को, मैं एक एग्जांपल दूंगा उसमें अच्छे से समझ लेना आप। 100 फैक्टोरियल में आपको 6 का एक्सपोनेंट बताना है कि 100 फैक्टोरियल जब मल्टीप्लाई होंगे टोटल तो उसमें से अगर सभी 6 बाहर निकालें तो उनकी पावर्स क्या आएगी, ये फाइंड आउट करना है, है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो अपना मेथड है वो प्राइम नंबर को सपोर्ट करता है, अपना मेथड किसको सपोर्ट करता है प्राइम नंबर्स को, तो प्राइम नंबर्स को सपोर्ट करता है तो अपन ये फोकस करेंगे कि भैया 6 निकालने के लिए आपको कितने नंबर्स चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है फ्रेंड्स 6 होता है,
तो आप खुद सोचिए 100 फैक्टोरियल के लिए अपन क्या करेंगे, 2 का एक्सपोनेंट निकालेंगे एंड 3 का एक्सपोनेंट किसके लिए, 6 के एक्सपोनेंट के लिए। तो 2 का एक्सपोनेंट क्या है अपने पास, अपन ने ऊपर निकाल चुके हैं फर्स्ट में 2 का एक्सपोनेंट आया था 97, यानी अपने पास क्या मिलेगा 2 रेज टू द पावर 97 मिलेगा। 3 का एक्सपोनेंट क्या आया था 48, यानी अपने पास क्या मिलेगा 3 रेज टू द पावर 48, यानी 2 रेज टू द पावर 97 एंड 3 रेज टू द पावर 48, ये दो एक्सपोनेंट अपने को मिलेंगे किसमें, 100 फैक्टोरियल में। तो सोचिए 6 बनाने के लिए क्या चाहिए, 6 बनाने के लिए 2 एंड 3, ये अपन को इवन क्वांटिटी में चाहिए, क्या चाहिए 2 एंड 3 इन इवन क्वांटिटी, तभी तो 6 बनेगा। तो फ्रेंड्स यहां से कितने 6 बनाए जा सकते हैं आप खुद सोचें, तो यहां से कितने 6 बनेंगे, यहां से बनेंगे 6 रेज टू द पावर 48, क्या बनेंगे 6 रेज टू द पावर 48, क्योंकि 3 रेज टू द पावर 48, 2 रेज टू द पावर 97, तो कॉमन क्या इनमें, कॉमन 48, तो 6 रेज टू द पावर 48 बनेंगे, तो 6 की एक्सपोनेंट क्या होगा 48। तो सपोज 6 निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको 2 भी निकालना पड़ेगा और 3 भी निकालना पड़ेगा। एक कंसेप्ट और है जिसमें आपको 2 एंड 3 नहीं निकालना पड़ेगा, कैसे सोचें, जब अपन 6 निकाल रहे हैं तो फ्रेंड्स ये तो पक्का है कि 2 ज्यादा टाइम्स रिपीट होगा, 2 क्या आएगा मैक्सिमम टाइम्स आएगा किससे, 3 से, है ना, जो जितना छोटा प्राइम नंबर होगा वो उतना ही ज्यादा रिपीट होगा, यानी 2 ज्यादा टाइम से आएगा 3 कम टाइम्स आएगा, तो अपन केवल 3 निकाल लेते हैं, तो 3 आता अपने 48। तो फ्रेंड्स अगर 3 48 आया तो 2 का एक्सपोनेंट 48 से तो ज्यादा ही है, समझ रहे होंगे आप बात, ध्यान से समझिए, फिर समझाता हूं। फ्रेंड्स जो बड़ा नंबर होता है जैसे 6 निकालना है तो 6 में बड़ा प्राइम नंबर कौन सा, 3, आप 3 का एक्सपोनेंट निकाले 48 आया, निकाल लिया आपने, 2 का एक्सपोनेंट ना निकाले, सोचिए थोड़ा सा 2 का एक्सपोनेंट 48 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि 2 ज्यादा टाइम्स रिपीट होगा, जितना छोटा प्राइम नंबर होता होगा उतना ही ज्यादा रिपीट होगा, तो 48 3 आया इसका मतलब 2 उससे ज्यादा होगा, लेकिन 6 बनाने के लिए तो अपन को 3 एंड 2 इक्वल क्वांटिटी में चाहिए, तो सीधा सीधा आप लिख लो 6 रेज टू द पावर 48, है ना, अपन 2 निकालो ही नहीं, कैसे, जैसे आपको पूछा गया फाइंड, अगला क्वेश्चन करता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 2007 फैक्टोरियल, कहने का मतलब 2007 फैक्टोरियल क्या है, देखो ऐसे 7, 2006, इनको जब मल्टीप्लाई करते करते 1 तक पहुंचेंगे अपन, तो जो भी नंबर्स आएगा, जैसे यहाँ एक नंबर्स आ गया, ये नंबर्स आ गया, ऐसे कुछ भी आता गया, उसके लास्ट में क्या होंगे फ्रेंड्स, 0 होंगे, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एंड में कितने 0 होंगे, कहने का मतलब एंड में 0 पूछने का मतलब वो क्या पूछ रहा है कि 10 फैक्टोरियल के 10 पे एक्सपोनेंट क्या होगा, सीधा सीधा पूछ रहा है कि 10 रेज टू द पावर समथिंग, यानी 10 रेज टू द पावर समथिंग क्या होगा, 10 पे एक्सपोनेंट क्या होगा, ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ 2017 फैक्टोरियल। तो 10 कितने टाइम्स आएगा, कहने का मतलब 10 कितने टाइम्स आएगा, तो सीधा सीधा 10 किससे बनता है, 10 बनता है फ्रेंड्स 2 एंड 5 से, है ना, तो 2 क्या होगा, ज्यादा टाइम रिपीट होगा, ज्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन 5 कम टाइम मिलेगा, लेकिन 10 बनाने के लिए 5 एंड 2 इक्वल क्वांटिटी में चाहिए आपको, तो आप 2 का पावर एक्सपोनेंट नहीं निकाल के 5 का एक्सपोनेंट निकाल ले, और 5 का एक्सपोनेंट सपोज समथिंग आया उससे ज्यादा 2 का एक्सपोनेंट होगा, लेकिन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में चाहिए, तो जितना 5 का एक्सपोनेंट आएगा उतने ही 10 जनरेट होंगे, क्योंकि 10 कैसे जनरेट होगा 2 इंटू 5 से, तो जितना 5 का एक्सपोनेंट आएगा उतने ही 10 जनरेट होंगे, तो उतना ही 10 का क्या होगा एक्सपोनेंट होगा, उतने ही 0 लास्ट में आएंगे, समझ में आया फ्रेंड्स, तो मैं 5 का निकाल लेता हूं, तो 2017 ये क्या था 2007, तो इसको 5 से डिवाइड किया, फिर किससे किया, फिर 5 स्क्वायर से किया, फिर 5 क्यूब से किया, फिर 5 4 से किया, फिर 5 से किया, यहां जाके मामला रुक गया, देखो 5 रेज टू द पावर 4 क्या होता है 625, एंड उसको 5 से मल्टीप्लाई किया 625 को, तो 2007 से बड़ी क्वांटिटी आएगी, है ना, मतलब 625 को आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 625 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही ये देखो 3000 से प्लस 3000 प्लस नंबर आएगा, तो इससे तो ग्रेटर होगा ना, इससे ग्रेटर होगा तो क्या होगा, ये वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो आगे ये एंड आगे की सारी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब इसको डिवाइड करें इससे, तो इसको डिवाइड किया तो 4 टाइम्स 0 एंड 1 टाइम्स 401 आया आपके पास, है ना, आगे गया 25, इसको डिवाइड किया 25 से, तो करें 25 से डिवाइड, तो ये हो गया 8 टाइम्स एंड 0 80 टाइम्स, है ना, आगे गए 125 से डिवाइड करें, तो आप डिवाइड कर करके लिखे कितने कितने आ रहे हैं बताएं मुझे, तो कंप्लीट डिवीजन करने पे फ्रेंड्स इसको डिवाइड किया तो 401, इसको डिवाइड किया तो 80, इसको डिवाइड किया तो 16 एंड इसको डिवाइड किया तो 3, ठीक है, इन सबको ऐड कर दें तो देखो ये 19, ये 120, ये 420 एंड 80 500, यानी फ्रेंड्स
5 पे पावर क्या आएगी, 500 आएगी, तो 2 पे पावर 500 से ज्यादा होगी, लेकिन दोनों को कंबाइन करना है, अपने को तो पावर क्या चाहिए सेम, तो सेम पावर कितनी रहेगी 500, तो 2 रेस टू द पावर 500 एंड 5 रेस टू द पावर 500 मिलेगा, तो क्या बनेगा 10 रेस टू द पावर 500, तो आंसर क्या होगा यहां पे, आंसर होगा यहां पे 500 जीरो जाएंगे किसके, इसके लास्ट में, क्योंकि 10 की पावर क्या होगी, एक्सपोनेंट क्या होगा 10 का 500 होगा, जीरो कितने आएंगे 500, क्योंकि 10 का एक्सपोनेंट अगर 2 होता है तो कितने जीरो आते हैं, 20 आते हैं, तो 10 का एक्सपोनेंट 500 है तो जीरो कितने आएंगे 500, तो फ्रेंड्स इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स का भी निकाल सकते हैं एक्सपोनेंट एंड अदर नंबर्स का भी निकाल सकते हैं, अदर नंबर में जो नंबर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यह करना पड़ेगा उसको प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन करें, अपन इसको यही क्लोज करते हैं चैप्टर को, सॉरी टॉपिक को, चैप्टर अभी आगे चलेगा, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, जिससे फ्री IIT लेक्चर का फायदा सभी को मिल सके, थैंक यू वेरी मच एट प्रोजेक्ट एजुकेशन।